नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटीवी निष्पक्ष बात। मैं हूं सुनील यादव। यदि आपने अभी तक एनबीटीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। कोविड-19 कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए भारत देश में एक दिन का जनता कर्फ्यू और 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है। वही वायरस ना फैले इसके लिए सैनिटाइजर से हाथ धोने की अपील भी की गई, लेकिन अपील करते ही बाजार में सैनिटाइजर की कमी हो गई और अब मिलना मुश्किल हो चुका है। लेकिन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में उन्नति क्लब के सदस्यों के द्वारा घर पर ही बिना अल्कोहल का सैनिटाइजर तैयार किया जा रहा है और उसे वितरित भी किया जा रहा है, जिन्हें सैनिटाइजर की बहुत आवश्यकता है। उन्नति क्लब के सदस्य सजल अग्रवाल ने बताया कि सैनिटाइजर कड़वी नीम, तुलसी, एलोवेरा जेल, कपूर, फिटकरी, डेटॉल को मिलाकर तैयार किया जा रहा है, जिसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। सबसे पहले 1 लीटर पानी लें, उसमें 25 से 30 पत्तियां तुलसी और नीम की मिला लें। तब तक उबालें जब तक कि पानी 75% ना रह जाए। उसके बाद उसमें 20 ग्राम कपूर और 20 ग्राम फिटकरी बारीक पीस कर मिला दें। उसके बाद उसमें एलोवेरा जेल 100 ग्राम और 10 से 15 ग्राम डेटॉल मिलाएं और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। सैनिटाइजर घर पर ही तैयार हो जाएगा। हालांकि अल्कोहल मिला हुआ नहीं है, इसलिए इसे कम से कम 10 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि सैनिटाइजर तैयार होने के बाद उन्नति क्लब के सदस्य चिंजू अग्रवाल, सजल अग्रवाल, प्रतीक कोठारी, विक्की अग्रवाल, लक्ष्य रघुवंशी, उत्कर्ष मोदी, रोहन ठाकुर, प्रज्ञेश जैन, शुभम अग्रवाल, कुशल कलवानी सहित सन्नी अग्रवाल शहर में सैनिटाइजर वितरित करने निकल जाते हैं और कोरोना वायरस को खत्म करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी सभी सराहना भी कर रहे हैं। आपके द्वारा जो सैनिटाइजर बनाकर वितरित किया जा रहा है, उससे अगर ये 1 लीटर सैनिटाइजर बनाना है तो कितना समय लगता है? 1 लीटर सैनिटाइजर बनाने में खूब से खूब आधा घंटा लगता है। एक परिवार है जैसे 5-6 लोगों का, तो उनके लिए ये 10 दिन की इसकी लाइफ रहती है सैनिटाइजर की। तो आधे घंटे में ये 10 दिन के लिए मतलब पूरा सैनिटाइजर आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें क्या है, नवरात्रि चल रही है जैसे, तो भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हमने अल्कोहल का इसमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया है। तो हर आदमी अपने घर पर इसे बना के अच्छे से इसे यूज़ कर सकता है। किस तरह से तैयार किया जा रहा है सैनिटाइजर? ये पूरा नेचुरल तरीके से तैयार किया जा रहा है। इसमें नीम, तुलसी, एलोवेरा जेल, कपूर, फिटकरी और थोड़ा सा डेटॉल यूज़ करा जा रहा है। इसमें पहले नीम को और तुलसी को पानी में उबाला जाता है, पानी को 1/3 किया जाता है। मतलब जैसे 10 लीटर पानी आपने यूज़ करा, तो जब तक 7.5 लीटर नहीं होगा, जब तक इसको उबलने दिया जाता है। फिर हल्का सा गुनगुना होने पर इसको छान के इसमें फिटकरी और कपूर का मिश्रण मिलाया जाता है और एलोवेरा जेल का। फिर जब ये अच्छी तरीके से पूरा मिल जाता है, इसके बाद इसमें थोड़ा सा डेटॉल, ताकि इसकी जो फ्रेगनेंस है वो अच्छे से बनी रहे। और फिर इसको पूरी तरीके से मिला के ठंडा करके छोटी छोटी बॉटलों में भर के पूरा वितरित किया जाता है।